Yes, आज प्रोग्रेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है सम स्पेशल सीरीज समिशन. सम स्पेशल सीरीज समिशन मीन्स कई सीरीज ऐसी होती हैं जो ना एपी में होती है ना जीपी में होती है, और उनका हमको अगर समिशन करना अप टू एंड टर्म तक या अप टू इनफाइनाइट टर्म तक, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हम नॉर्मली वीएन मेथड यूज करते हैं. पर वीएन मेथड सुनते ही कई बार हम कंफ्यूज होते हैं या हमें ऐसा लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है. बहुत ही सिंपलेस्ट कंसेप्ट पे बेस्ड मेथड है, डिफरेंस ऑफ मेथड कहलाता है ये, जो हमने अगर आपको ध्यान हो तो लॉग या एक्सपोनेंशियल सीरीज में जो कंसेप्ट पढ़ते हैं उसी पे बेस्ड है. पार्शियल फ्रैक्शन का भी कंसेप्ट इसमें यूज होता है. पर इन क्वेश्चंस को कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं वो बताऊंगा. मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं. नंबर वन की एक सिंगल स्टेप में कैसे आंसर देंगे वो बताऊंगा, फिर आपको कंप्लीट उसका अप्रोच बताऊंगा जिससे कंसेप्ट बने. भले ही आपको कभी भी याद रखिए कि कोई भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रिक से होता भी हो तो भी एक बार उसका कंसेप्ट बनाना बहुत जरूरी होता है. क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपसे एग्जाम में मिस्टेक नहीं होगी, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो मिस्टेक हो सकती है. क्योंकि वीएन मेथड में भी कंसेप्ट है. कंसेप्ट क्या है वो समझाना चाहूंगा आपको. जैसे यहां पर एक सीरीज लिखी है 1/1 2 प्लस 1/2 3 प्लस 1/3 4 प्लस 1/4 5 एंड सो ऑन. ध्यान रखिएगा ये सब जो टर्म दिए हुए ये एपी में नहीं है, पर 1 2 3 4 एपी है, 2 3 4 5 ये एपी है. इसमें इस तरह के भी क्वेश्चन मिलते हैं वीएन मेथड में 1 + 3 + 6 या 1 × 2 2 × 3 3 × 4. पर इनके लिए हमारे पास और सिंपल तरीका है जिसमें कि कहीं कंफ्यूजन ना हो, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा. पर ये भी एक टाइप होती है. अब नंबर वन थिंग कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना चाहिए, तो इनका आंसर एक सिंगल स्टेप में दे सकते हैं, दूसरा इनको आप ऑप्शन से कर सकते हैं, और थर्ड है कि कंप्लीटली मेथड. तो मैं आपको तीनों चीजें 1 by 1 डिस्कस करूंगा. पर सबसे पहले मैं इसके आंसर का एक डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं कि अगर गिवन टर्म एपी में है जैसे यहां दिख रहा है तो आपको आंसर डायरेक्टली लिखना आना चाहिए. पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिए, तो इनका डिफरेंस है 1, राइट? तो इनका अगर डिफरेंस 1 है तो 1/1 फर्स्ट टर्म जो है उसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एनए टर्म निकाले. फर्स्ट टर्म वैसे ही लिखा जाएगा तो 1/1 माइनस 2 3 4 का अगर मैं एनए टर्म बोलूं तो आप बोलते n+1. एपी के कंसेप्ट लगेंगे. एनए टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 × d, राइट? बस ये हमारा आंसर आ गया, यानी हमारे पास इसका आंसर आ गया n+1. तो आप एलसीएम लेंगे तो n/n+1 सिंगल स्टेप आंसर है. जैसे इसका आंसर देना है तो इन दोनों का डिफरेंस है कितना 2, तो 1/2 फैक्टर करिए, 1 माइनस इसका एन एटम निकालिए तो 3 5 7 का एन एटम निकालेंगे तो 2n+1 ये आ गया. रख के देख लीजिए 1 तो आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2n+1 - 1, 2 से 2 भी कैंसिल, तो आंसर हो गया n/2n+1, राइट? इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में डिफरेंस है 4 का, 1 + 5 4 का डिफरेंस है, यानी 1/4. ये डिफरेंस ऑफ मेथड पे बेस्ड है, पहले इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं. तो 1 ये हो गया 4. अब फर्स्ट टू टर्म 1 3 माइनस 1/3 5 का एनेट टर्म, 3 5 का एनेट टर्म होगा 2n+1 × 2n+3. अगर आपको एनेट टर्म में कहीं भी कंफ्यूजन हो जैसे 3 5 7 का, तो आप क्या करेंगे, a+n-1 × d से निकालेंगे. एंड सिमिलरली 5 7 9 का निकालना है तो 5+, कोशिश करिए जितना काम मेंटली करेंगे उतना आपका टाइम सेव होगा. ये आपका आंसर भी हो गया. अब आपको इस फॉर्म में भी लिखा छोड़ सकते हैं और आप चाहे तो इसको एलसीएम लेके भी पूरा कंप्लीटली कर सकते हैं. डिपेंड करता है आप किस ढंग से करना चाहें. जैसे अगर इसको एलसीएम लेके करते तो 1/4 आपको मिलता 2n+1 2n+3 - 3 / 3 × 2n+1 × 2n+3. अगर इसका मल्टीप्लाई कर लेते तो ये 3 से 3 भी कैंसिल हो जाता बाद में. अब इसकी अगर बात करूं कि इसमें इसका समीशन क्या मिलेगा, तो देखिए हाईएस्ट डिफरेंस 4 - 1, क्योंकि डिफरेंस मेथड पे बेस्ड है 3, तो आप लिखते डायरेक्टली 1/3. अभी मैं इसका पूरा डिटेल में कंसेप्ट बताऊंगा. फिर 1/2 3 - 1/3 का डिफरेंस, वो एन एटम निकालिए, 2 3 4 का निकालेंगे तो n+1 n+2 n+3, तो n+1 n+2 n+3 ये आपका आंसर हो गया. इस क्वेश्चन पे जाएं तो ध्यान दीजिए ये थोड़ा अलग तरह का है. 1/1 cube 1+2 upon 1 cube + 2 cube 1+2 + 3 upon 1 cube + 2 cube + 3 cube, यानी अगर इसका एनिट टर्म हम लिख रहे होते तो आप सिग्मा n अपॉन सिग्मा n स्क्वायर लिखते,
राइट सॉरी एन क्यूब, और जब इसको सॉल्व करते तो ये होता एन एन प्लस, इसको भी डायरेक्टली कर सकते टू एन एन प्लस वन का स्क्वायर बाय फोर, फाइनली सॉल्व करके टू अपॉन एन इन टू एन प्लस वन आता है। ये टी एन है, टी एन से कभी भी एस एन में जाएंगे तो आप याद रखिए इसके फैक्टर बनाना है तो वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन। बी एन मेथड में लॉजिक ये होता है कि आर माइनस वन टर्म और आर वी आर माइनस वन वी आर टर्म, तो यहां पर एन के प्लेस पे वन ये एन रहेगा तो आंसर आ गया टू अपॉन वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन या टू एन अपॉन एन प्लस वन। यानी अभी और भी क्वेश्चंस करेंगे, यानी आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल यानी सिंगल स्टेप से कर सकते हैं अगर कंसेप्चुअली स्ट्रांग, और याद रखिएगा मैंने आपको लॉजिक बताया है पर उसके बाद भी मैं बोलूंगा कि आपको पहले इसका डिटेल कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस कंसेप्ट पे बेस्ड मेथड है। आप समझिए ये हुआ पहला तरीका कि हम फर्स्ट टर्म से ही लिख सकते हैं बस आगे के टर्म, मतलब ये जो टर्म दिए हैं ये एपी में होना चाहिए। और देखिए वन थ्री फाइव है तो थ्री फाइव सेवन, या यहां पर टू वन टू टू थ्री, वन थ्री फाइव देखिए थ्री से स्टार्ट हो रहा है, यानी इसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो कि ये सीरीज एपी में ना हो, इसलिए मिसकंसेप्शन नहीं रखना है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना। अब बात करते हैं सेकेंड अप्रोच कि अगर मान लीजिए इन क्वेश्चंस को हम चाहें, कई बार कुछ क्वेश्चन लेंदी भी हो सकते हैं, ऑप्शन से करना चाहें तो कैसे करेंगे। और ये सम ऑफ एन टर्म के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म होता तो याद रखिएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म में एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाता, तो इस क्वेश्चन में एन की जगह इन्फिनिटी रख देते तो आंसर आता वन ओनली, ये लिमिट वाला क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर होता 1 बाय 2, इस क्वेश्चन का आंसर होता 1 बाय 12 अगर इनफाइनाइट के लिए होता, इस क्वेश्चन का आंसर होता 1 बाय 18, और इस क्वेश्चन का आंसर अगर n की जगह आप इनफिनिटी रख देते, पहले इसके फैक्टर बनाते हैं अभी हम, अच्छा ये बना इसी के लिए करा हुआ, तो यहां पर आते हैं तो यहां पर इसका आंसर आ जाता 2 ओनली, यानी आप इनफाइनाइट के क्वेश्चन और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर इन्हें हम ऑप्शन से करना चाहें तो कैसे करते, और फिर इसका मैं डिटेल मेथड पे बात करता हूं जिससे आपको वीएन मेथड क्लियर होगा। वीएन मेथड मींस डिफरेंस ऑफ मेथड, ये वीआर माइनस वन, पहले इसका आर एट टर्म निकालते हैं, फिर आर के प्लेस पे एन पुट करते हैं और फिर उसका समेशन निकालते हैं वीआर, और हर टर्म फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म वो आपस में कैंसिल होते जाते हैं तो डिफरेंस मेथड होता है ये। अब देखिए इसको मान लीजिए मुझे ऑप्शन से करना होता तो मैं क्या करता वो बताता हूं। अगर ऑप्शन से करना होता तो पहले हम ये समझें कि Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, राइट। अब आपको पता है कभी भी n टर्म का कोई क्वेश्चन आ जाए कि अगर मैं n के प्लेस पे 1 रखूं तो S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, S2 का मतलब है फर्स्ट टू टर्म का समेशन, तो आपके पास जो चार फोर ऑप्शन दिए होंगे उसमें आप n के प्लेस पे 1 2 या 3 रख के देख लें। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन ऑप्शन से करें तो यह मत देखिएगा कि राइट आंसर कौन सा, थ्री रिजेक्ट करना, थ्री रॉन्ग आंसर ढूंढना, नंबर वन स्टेप। नंबर टू, एन के आप जो काम यहां करने वाले हैं वो पहले देख लीजिए, अगर एन की वैल्यू वन पे टू ऑप्शन मैच नहीं करते तो एन की वैल्यू वन लीजिए, इनके टू ऑप्शन मैच करते हैं तो फिर जो दो ऑप्शन मैच करते हैं याद रखिएगा जो रिजेक्ट हो गए उनको दोबारा चेक मत करिएगा। मान लीजिए कि ए बी सी डी में फॉर एग्जाम्पल एन वन पे ये और ये मैच हो गया तो इनको तो कट कर दिया, अब एन की वैल्यू टू लेके इन्हीं दो को चेक करिए या एन की वैल्यू थ्री लेके इन्हीं को चेक करिए, यानी जब कभी भी ऑप्शन से जाएं तो राइट की जगह आपको ये देखना है कि थ्री रॉन्ग कौन से, बचे हुआ आंसर अपने आप करेक्ट होगा। तो अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं वो समझिए कि मेरे आंसर सही है कि नहीं पहले ये देखता हूं फिर इनके मेथड पे आते हैं। नंबर वन कि अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि एन के प्लेस पे वन लूं तो मुझे वन बाय टू मिलना चाहिए, रखिए एन के प्लेस पे वन, देखिए वन रखा तो वन अपॉन टू सही है, बाई चांस आंसर मैच कर रहा होता तो फर्स्ट टू टर्म का समेशन लेते, फर्स्ट टू टर्म का समेशन क्या होता है वन बाय टू प्लस वन बाय सिक्स तो फोर बाय सिक्स यानी टू बाय थ्री, एन की जगह टू रखिए, देखिए टू रखा तो टू बाय थ्री, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, राइट। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, सपोज एन के प्लेस में वन रखू तो पहला आंसर है वन बाय थ्री, वन रखा देखिए वन अपॉन थ्री, मान लीजिए दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं पहले दो रख लीजिए, आप इसका एलसीएम लेते तो 1 3 5 आता तो 5 प्लस 3 3 ये हो जाता 1 6 6 बाय 15 मतलब 2 बाय 5, रखिए n की जगह जरा 2 तो 2 अपॉन ये देखिए 5, राइट। इस क्वेश्चन को भी देखिए n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, यानी क्रॉस चेक करना भी आपके लिए बहुत आसान है। अब मैं यहां पर बोलूं n की जगह 1 रखिए तो 1 5 प्लस 5 इंटू 3 15, ये 15 मिलना चाहिए, रख के देख लीजिए,
आपने यहां रखा 1/4, 1 रखा तो 3 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए ये 15 माइनस 3 हो गया 12, तो 12 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 12 कैंसिल 1/15, 1/15 ये राइट आंसर हो गया। अगर मैं यहां पर आऊं तो मुझे क्या करना होगा, 12 24, एन की जगह 1 रखेंगे तो इससे आपको 1/24 आंसर मिलेगा। अगर यहां पर आएंगे एन की जगह 1 रखेंगे तो आपको 1 ही मिलना चाहिए, रखे देखिए 1 रखा तो 2/2 इज 1। यानी इन क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइए। कई लोग बीएन मेथड के नाम पे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि क्या चीज है, कुछ भी नहीं है, मेथड ऑफ डिफरेंस बेस्ड कांसेप्ट है और बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो एक स्टेप हुई कि आप सिंगल टर्म से बता सकते हैं, उस पर अभी मैं मेथड पे आता हूं। दूसरा तरीका कि सम ऑफ एन टर्म बोला है, सीधे सीधे ऑप्शन में एन के प्लेस पे 1 2 रख के ऑप्शन से क्रॉस चेक कर सकते हैं, या फिर हम बीएन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसके प्रॉपर डिटेल मेथड पे, इन्हीं क्वेश्चंस को हम समझें कि अगर डिटेल में करना होता तो क्या करते, राइट। इसलिए क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, उनको बाद में लिखूंगा, पहले ऊपर के दो क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि इसमें करते क्या, अभी हम समझें तो मान लीजिए क्वेश्चन ये था 1/12 प्लस 1/23 प्लस 1/34 प्लस 1/45 एंड सो ऑन, राइट। अब इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि इसका डिफरेंस देखिए क्या है। पहले अभी मैं कोई मेथड के बिना बता रहा हूं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते थे 1/1 माइनस 1/2, इसका एन टर्म जरूर निकाल लीजिएगा, तो 1/n इंटू एन प्लस 1, 1 2 3 4 का एन टर्म, 2 3 4 5 का एन टर्म। अब देखिए ये आपने ऐसा लिखा, इसको लिख सकते थे 1/2 माइनस 1/3। बीएन मेथड में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकेंड टर्म थर्ड टर्म से, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म से कैंसिल होना चाहिए, इसलिए मेथड ऑफ डिफरेंस बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं वी आर माइनस वन माइनस वी आर, राइट। और फिर जब आप इसमें एन के प्लेस पर, आर के प्लेस पर एन पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो आप यहां पर समझिए कि क्या होगा, वन फिर कितना लिखेंगे बोलिए, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5 एंड 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब देखिए 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3, ऐसे ही लॉग में भी करते थे हम क्वेश्चन। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म बचा और केवल लास्ट टर्म बचा जो हमने यहां लिखा था, तो आंसर हो गया n अपॉन n प्लस 1। कंसेप्ट ये है, इसी को हम बीएन मेथड बोलते हैं। अब बीएन मेथड के अकॉर्डिंग चलें, सिंगल स्टेप में आंसर देने की बात करें, तो हम करते ये हैं कि हम इसका लॉजिकली आरएथ टर्म निकालते हैं। तो आरएथ टर्म आपने निकाला तो 1/r इंटू आर प्लस 1, राइट। और इसी को लॉजिकली r इक्वल टू 1 to n 1/r इंटू आर प्लस 1, इसे आपको एड करना होता है, जिसको कि आप ऐसा लिख लेते हैं। ये सब कंफ्यूजन वाले कंसेप्ट हैं, इस पर कंफ्यूज मत होइएगा। इसके फैक्टर बनाए, पार्शियल फ्रैक्शन से बनाते हैं, वो भी कंसेप्ट आएगा तो बताऊंगा आपको, ये आ गया, राइट। तो अब इन सब की जगह मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप इसमें डायरेक्टली टीआर वगैरह के चक्कर में मत जाइए, बीआर माइनस वन बीआर पे भी मत जाइए, सीधा टीएन निकालिए, तो एन इंटू एन प्लस 1, इसके पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टर बनाइए तो 1/n माइनस 1/n प्लस 1, बस यही पे आंसर हो गया। कैसे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपको मिलते हैं, अभी आपको मैंने रीजन बताया फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म ये है। फर्स्ट टर्म के लिए n के प्लेस पर 1 पुट करिए, लास्ट टर्म के लिए n के प्लेस पर n पुट करिए, ये हो गया सॉल्व, यानी n अपॉन n प्लस 1 इज अ राइट आंसर, राइट। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो सेकंड लिखा है, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से और समझ के चलिए कि करना क्या। अगर आपको कंसेप्चुअली क्लियर हो गए तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब देखिए, अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम समझें, बहुत ही इजीली आप समझ सकते हैं इसको कि हम इसमें क्या करेंगे। जैसे ये है 1/13 प्लस 1/35 प्लस 1/57 प्लस 1/7। अगर मैं आपसे बोलूं इसका भी फंडा वही है, इसमें देखिए डिफरेंस 2 है, तो लॉजिकली पहले आप 2 का डिवाइड, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। इन दो तीन क्वेश्चन से आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा, फिर आपको कभी भी समीशन ऑफ सीरीज में इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका एनेक टर्म लिखते हैं तो क्या होता, 2
2 अपॉन, अब देखिए 1, 3, 5, 7 का नेट टर्म होता है 2n-1, 3, 5, 7 का 2n+1 ये आ गया, राइट right? अब क्या करेंगे, सिंपल 1/2 इसको ऐसा लिखते हैं 1/1 - 1/3, देखिए एलसीएम लेके ये आता, प्लस 1/3 - 1/5, प्लस 1/5 - 1/7, प्लस 1/7 - 1/9, प्लस 1/2n-1 - 1/2n, इतना कुछ नहीं करना है, समझाने के लिए करो। अब देखिए सेकेंड टर्म थर्ड टर्म सब कैंसिल, तो फाइनली आपको मिला 1/2 - 1/2n+1, एलसीएम लिया तो n/2n+1। अब ये आपको दो क्वेश्चन मैंने समझा दिए तो काफी क्लियर होगा, तो अब हम डायरेक्ट करते हैं। सबसे अच्छा तरीका ना TR निकालिए ना VR, VR-1 कुछ मत करिए, आप सीधा nth टर्म निकालिए। तो nth टर्म मैंने आपको अभी बताया क्या होगा, 1/1 - 3, 5 का होगा 2n-1 and 2n+1, इन दोनों में हाईएस्ट डिफरेंस देखिए कितना है 2 का, इन दोनों में हाईएस्ट डिफरेंस कितना है 2 का। वैसे इसको इस तरह से भी लिखा जाता है अक्सर भी, जब 3-4 फैक्टर आते हैं तो हम ऐसा सोचने लगते हैं। ये सब केवल समझाने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2n से 2n कैंसिल, 1+1 2, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया इसलिए 2 का डिवाइड कर दिया। अब जब आप सेपरेट लिखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का कांसेप्ट है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए ऐसे कहीं पर भी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपको फाइनली ये रिजल्ट मिलने वाला है। किस तरह का देखिएगा, आपको ये रिजल्ट मिला TN=1/2, सेपरेट लिखा तो 1/2n-1 - 1/2n+1, ये रिजल्ट मिला आपको, बस खत्म। इससे जब भी ऐसे इनमें जाएंगे तो फर्स्ट टर्म मिलेगा और लास्ट टर्म, तो 1/2, फर्स्ट टर्म मतलब इनके प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए तो 2-1 1, लास्ट टर्म मतलब इसमें एन की जगह एन ही रहेगा 2n+1, तो 1/2 एलसीएम लिया है तो 2n/2n+1, देन फाइनल आंसर इज n/2n+1। तो आप कंक्लूड करें अगर फाइनली, तो आपको केवल इतना सा काम करना है कि गिवन सीरीज का nth टर्म निकालिए, पार्शियल फ्रैक्शन से इसके फैक्टर बनाइए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मिलेगा तो फर्स्ट टर्म में n के प्लेस पे 1, लास्ट टर्म में n के प्लेस पे n, बट ध्यान ये रखिएगा कि बाकी सारे टर्म वो 1, 2, 3 से समझ में आ जाएगा, आपस में कैंसिल होना चाहिए। अब ये इतने बड़े मेथड को ही हमने शॉर्ट में करा हुआ है, और वो शॉर्ट था जो मैंने क्वेश्चन लिखते ही बताया था कि आपको इन्हीं को देख के आप बता सकते हो फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलता है, पहले इसका डिफरेंस देखिए तो 1/2, फर्स्ट टर्म इज 1 - 3, 5, 7 का nth टर्म होता है 2n+1, ये आपका आंसर हो गया। ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है, तो आप सिंगल स्टेप में भी आंसर दे सकते हैं और nth टर्म के लिए ऑप्शन पे भी, और जब भी आप रखिए n टेंस टू इन्फिनिटी कर दें तो s इन्फिनिटी है, आपको पता n टेंस टू इन्फिनिटी देन 1/n → 0, तो आपको आंसर मिल गया 1/2। तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी दिया है तो याद रखिएगा जो सेकंड पार्ट है nth टर्म वाला वो हमेशा 0 हो जाता है, तो केवल फर्स्ट टर्म ही मिलता है, लॉजिक से भी समझ में आता है क्योंकि मेथड ऑफ डिफरेंस है, तो जो पहला टर्म मिला है बाकी सब टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो अगर मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ रहे हैं और इनफाइनाइट टर्म पढ़ रहे हैं तो हर टर्म कैंसिल होता जाता है और इस बात के टर्म नेग्लिजिबल हो जाते हैं, इसलिए हर टर्म कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ओनली फर्स्ट टर्म। ये बेसिक फंडा है इसका, ये बेसिक कंसेप्ट है। अब जो और क्वेश्चन लिखे थे वो भी करता हूं तो आपको और क्लियर होगा, नोट कर लो इसको पहले आप। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था 1/1 - 3, 5, इस तरह का क्वेश्चन था 1/1 - 3, 5, 1/3, 5, 7, 1/5, 7, 9 and so on। अब देखिए आपको इसमें एक बार में समझ में आता होगा कि हमें करना क्या है, केवल इतना सा एक काम करना है आपको, इतना सा एक काम करना है कि इसमें आंसर डायरेक्ट लिखने का तरीका मैंने अभी बताया था कि सारा खेल फर्स्ट टर्म से ही हो जाता है। इसमें डिफरेंस कितना है 4, 1/4 फैक्टर बनाएंगे, फर्स्ट टर्म होगा फर्स्ट 2 टर्म तो 1/3 माइनस इसका 3 और 5 का nth टर्म होगा 2n+1 2n+3, यही हमारा आंसर है, यही आंसर है इसमें कोई, अब बस इतना हो सकता है कि इसको सॉल्व करा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, तो 2n+1, अभी आ रहा हूं मेथड पे भी, 2n+3 × 3, तो 2n+1 2n+3 - 3, सॉल्व किया तो कुछ ऐसा मिलेगा 4n square
2n plus 6n, 8n, right? 2n plus 6n, 8n, minus of, plus of 3, minus of 3 upon 3 into 2n plus 1, 2n plus 3. अब कितना solve किया option पे depend करता है. 4 भी common निकल के cancel, तो आपको मिल गया n square plus 2n upon 3 into 2n plus 1, 2n plus 3, या n common, तो n plus 2, इतना सब नहीं करना है, 2n plus 1, according to option जाना है, ये answer आ गया. Right? अब इस answer को मैंने आपको बताया था, cross check जरूर कर लीजिए, अगर n की जगह 1 रखें, तो 15 मिलना चाहिए, देखिए 1 रख के, 1, 3, 3, 1 रखा तो 3, 5, ये cancel 1 by 15, हमने बिल्कुल सही किया. अब ये एकदम इजीएस्ट तरीका हुआ कि आपने लिख दिया. बाकी अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें, आर एट टर्म वगैरह वन निकालने में मत उलझिएगा, सीधा एनेट टर्म बताइए, तो इसका एनेट टर्म होता है 1 अपॉन 135 का होगा 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, याद राइट. अब केवल इसके पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टर बनाते हैं हम, इसमें और सिंपल तरीका होता है, हमें आगे पीछे के कैंसिल करना है, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, यानी 2n plus 3 minus of 2n plus, sorry, 2n minus 1 upon. अब आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो देखिए ये सब स्टेप बचानी है. सबसे बेस्ट तरीका होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, सबसे बेस्ट ट्रिक स्टेप सेविंग, उससे अच्छी कोई ट्रिक हो ही नहीं सकती. तो यहां पर देखिए क्या हुआ बताइए, यहां पर आपने इसको सेपरेट लिखा होगा, तो आप पहले इसको बैलेंस करिए, बैलेंस नहीं है ये, 2n से 2n कैंसिल, 3 प्लस 1 4, जो काम हम डायरेक्ट कर रहे थे ये हो गया. अब देखिए 1 बाय 4, अब सेपरेट लिखते हैं तो ये कैंसिल, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 2n माइनस 1, ये है वीएन मेथड, माइनस 1 अपॉन ये कैंसिल, तो 2n प्लस 1 इनटू 2n प्लस 3, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये लास्ट टर्म हो गया, आंसर हो गया 1 बाय 4. फर्स्ट टर्म में हमेशा n की जगह 1 रखते हैं, तो 1 अपॉन 1 3 माइनस लास्ट टर्म में n रखते हैं, तो 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, दिस इज फाइनल आंसर. राइट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने लिखा था वो था 1 अपॉन 1 2 3 4 प्लस 1 अपॉन 2 3 4 5. अब फोर टर्म थे उसमें, फोर टर्म के साथ देखते हैं क्या होगा, तो 1 अपॉन 1 2 3 4 प्लस 1 अपॉन 1 2 3 4 एपी में, तो 2 3 4 5 राइट प्लस 1 अपॉन 3 4 5 6 एंड सो ऑन. क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली आप एक काम करेंगे, सबसे पहले आंसर लिखने की आदत डालें. डिफरेंस कितना है 3, पहला टर्म होगा 1 अपॉन 1 2 3 माइनस 1 अपॉन इनका एनेट टर्म, n प्लस 1 n प्लस 2 एंड दिस इज n प्लस 3, ये हो गया आंसर, ये आंसर भी हो गया हमारे लिए. अब क्या करेंगे, मेथड से कर रहे होते तो ऑब्वियसली आप लिखते tn ही निकाल लीजिए, मत लिखिए 1 अपॉन n n n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3. अब देखिए फर्स्ट एंड लास्ट का डिफरेंस देखना है, तो क्या होगा n प्लस 3 माइनस n अपॉन n इन टू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, डिफरेंस है 3 का, ये कैंसिल हो गया. सेपरेट लिखेंगे ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपको रिजल्ट मिला 1 बाय 3. ये सब नहीं करना है, पर कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए सब n n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन n कैंसिल n प्लस 1 n प्लस 2 एंड n प्लस 3. फर्स्ट और लास्ट टर्म मिलेगा इस स्टेप के बाद, तो फर्स्ट टर्म मतलब n की जगह 1 रख दीजिए, 1 अपॉन 1 2 3 माइनस सेम n प्लस 1, हो सकता है इसका एलसीएम लेके आंसर लिखा हो, डिपेंड ऑन जो ऑप्शन दिया है वहां तक आप जा सकते हो. नोट करो क्वेश्चन को. यस, फिर एक और क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दिया था, वो तो खैर आपको वहां पे भी समझ में आ गया होगा, वो था 1 अपॉन 1 क्यू 2 अपॉन 1 प्लस 2 सॉरी अपॉन 1 क्यू प्लस 2 क्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू एंड एन टर्म. तो इसका सीधा रिलेशन था कि जब एन टर्म निकालते तो होता 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब, दिस इज सिग्मा n एंड अपॉन सिग्मा n क्यूब राइट. अब सिंपली आप क्या करते हैं इसमें, तो आपको पता है कि एक सिंगल स्टेप कि
कि आपको ये याद होना चाहिए कुछ फॉर्मूले, जैसे सिग्मा एन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन को हम सिग्मा एन बोलते हैं, जैसे एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, सिग्मा एन स्क्वायर 1 क्यूब प्लस 2 सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर को सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, जो होता है एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 बाय 6। नेक्स्ट इज सिग्मा एन क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू एन क्यूब, ये हो गया एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, राइट। तो आप सिंपल आपने इसमें लगाया तो एन एन प्लस 1 बाय 2, 2 नीचे ले लीजिए, एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, 4 ऊपर आ जाएगा, तो एक तरह से आपको 2 अपॉन एन एन प्लस 1 मिल गया। इसके फैक्टर बनाना है टी एन के, तो 1 2 बाहर लिख दीजिए, 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन के प्लेस पे जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो आंसर आ गया 2 एन अपॉन एन प्लस 1, राइट। नोट डाउन दिस क्वेश्चन।